हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोग के साथ लेकर आई हूँ, अक्सर जो हम प्याज के छिलके फेंक देते हैं उनसे हेयर डाई बनाने का तरीका। तो ये जो हेयर डाई है वो बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी इनमें केमिकल ऐड नहीं है और ये बस उन्हीं से बनकर तैयार हो जाएगी जो हम प्याज के छिलके फेंक देते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये हेयर डाई। तो ये मैंने यहाँ पर प्याज के छिलके लिए हैं। तो जो प्याज के ऊपर का लेयर होती है, जो ऊपर वाला छिलका होता है, सिर्फ वही लेना है। ये जो सूखा सूखा वाला छिलका होता है वो लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये लगभग आधे किलो प्याज के छिलके लिए हैं। तो ये जब भी मैंने प्याज छिली थी तो मैंने स्टोर करते गई थी, तो ये मैंने छिलके लिए हैं। अब मैंने इन्हें कढ़ाई में रखा है और गैस का फ्लेम मैंने किया हुआ है हाई। और अभी हमें क्या करना है कि इन छिलकों को कम्प्लीटली एकदम जला देना है और उससे ही हम हेयर डाई बनाएंगे। तो इन्हें अच्छे से जला देते हैं। और प्याज में जो है हाई अमाउंट में सल्फ़र होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो बस उसी से ही हम आज ये हेयर डाई बना रहे हैं। इससे आपके बालों में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पर जो प्याज के छिलके हैं वो कम्प्लीटली जल गए हैं, ये देखिए। अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ़ और इन्हें ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी गर्म है तो ठंडा होने देते हैं। और मैं इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने छिलकों को जो है जले हुए छिलकों को प्याज के एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इन्हें हमें जो है इस तरीके से हाथों से एकदम अच्छे से जो है क्रश कर लेना है, एकदम इसका पाउडर जैसा बन जाए उस तरीके से हमें इन्हें अच्छे से कम्प्लीटली क्रश कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें क्रश कर दिया है और अब हम इन्हें छान लेंगे। तो इस तरीके से इन्हें क्रश कर दिया है और अब मैंने यहाँ पर ये बोल लिया है, उसके ऊपर इस तरीके से स्ट्रेनर रखेंगे और थोड़ा थोड़ा जो प्याज के छिलके का जला हुआ पाउडर है उसे इस तरीके से छान देंगे। इस तरीके से जो प्याज के छिलके का जला हुआ पाउडर है वो एकदम फाइन जो है निकल कर आएगा। तो बस इसे छान लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे छान दिया है और इसका एकदम फाइन पाउडर बन चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। तो ये देखिए एकदम इस तरीके से फ़ाइन पाउडर इसका बन गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। तो आप एलोवेरा जेल की जगह पर कोकोनट ऑयल या फिर आमले का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। तो इस डाई को हमें जब भी हम कहीं जा रहे हैं, किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, उस टाइम पर लगाना है बस बालों पर, और एक घंटे तक लगाना है। उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे। और ये प्याज के छिलकों का हेयर डाई बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये हमारे बालों को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल एकदम नेचुरल हेयर डाई है। बस इसे आप बालों पर इस तरीके से अप्लाई करें और एक घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें, आपके बाल एकदम नेचुरली ब्लैक हो जाएंगे। तो बस आप इसे एक बार ट्राई करके देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये। और इस हेयर डाई की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बची हुई छिलकों से बनकर तैयार हुई है। और अक्सर हम ये प्याज के छिलके तो फेंक ही देते हैं, कोई भी काम के नहीं होते हैं, तो उनसे जो है हेयर डाई बन रहा है कितनी अच्छी बात है। तो आप बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को फैमिली को। तो अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।